शिवसेना को बीच में रोकना पड़ा कोंकण महोत्सव। पूर्व नगर सेवक का प्रभाव, भाजपा ने किया निष्क्रिय। विरोध के बाद मनपा ने रद्द की मेले की अनुमति। भाजपा नेता ने लगाया था पक्षपात का आरोप। क्या अनुमति के लिए नियमों के खिलाफ गए थे मनपा अधिकारी? पिछले वर्ष 7 मार्च से मुंबई मनपा की सत्ता प्रशासक के हाथों में चली गई है, पर अभी भी कई वार्डों में पूर्व नगर सेवकों का प्रभाव बरकरार है और अपने इस प्रभाव से वे मनपा अधिकारियों से भी मनमाना कार्य करा ले जा रहे हैं। इसकी एक झलक अंधेरी पूर्व के वार्ड 79 में भी देखने को मिली। मनपा के पूर्व विभाग के अंतर्गत आने वाले वार्ड 79 में शेरे पंजाब स्थित मनपा मैदान कई बार राजनीतिक व गैर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल रह चुका है। इसी कड़ी में पिछले दिनों यहां शिवसेना के पूर्व स्थानीय नगर सेवक सदानंद परब द्वारा कोंकण महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इस दौरान इस मनपा मैदान में कई दिनों का मेला भी लगा था। हालांकि 15 दिनों के इस कार्यक्रम को 5 दिनों बाद ही भाजपा के विरोध के बाद रोकना पड़ा। मनपा ने अपनी दी हुई अनुमति को खुद ही नोटिस देकर रद्द कर दिया। शिवसेना के इस कोंकण महोत्सव आयोजन को लेकर भाजपा नेता संतोष मेढेकर और अन्य भाजपा नेताओं ने मनपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मनपा उपायुक्त रंजित ढाकने व केपुर विभाग के सहायक आयुक्त मनीष वालंजू से मुलाकात कर शिवसेना को दी गई अनुमति पर आपत्ति जताई थी। महीना पहला नवंबर में हमने अप्लाई किया, हमको रिटर्न कंप्लेंट दिया है उन्होंने कि ये खेळाचा मैदान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला या कार्यक्रमाला आम्ही देऊ शकत नाही। तब ये जो कार्यक्रम दुसरे लोगों ने लिया है वो कार्यक्रम क्यों, उनको परमिशन कैसे दिया, उधर इनलीगल सब एक कार्यक्रम चल रहा है। कि संतोष मेढेकर जी पिछले 15-20 साल से जो पंप हाउस में BMC ग्राउंड है उस पर वो हमेशा से ही मालवणी जत्रा करते आए हैं, और जब उन्होंने पिछली बार इसकी अर्जी की थी, आवेदन किया था कि हमको ग्राउंड मिले ये कार्यक्रम करने के लिए, तो इस तर्ज पे उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी कि हाईकोर्ट का अभी निर्णय आया है कि प्लेग्राउंड पे कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये पता चला है कि उसी ग्राउंड पे जहाँ पे हमने अर्जी की थी वहाँ पे शिवसेना के नगर सेवक को परमिशन BMC के अधिकारियों ने दी, उन्होंने सामने वाले पक्ष को परमिशन दिया, मतलब जरूर इसमें पक्षपात हुआ है। वहीं शिवसेना के पूर्व नगर सेवक सदानंद परब ने भाजपा की आपत्ति को बेबुनियाद बताया। गैर कानून कुछ भी हुआ नहीं है, आपके माध्यम से मैंने सुना है कि भारतीय जनता पक्ष ने कंप्लेंट किया है कि गैर कानूनी किया करके, ऐसा गैर कानूनी कुछ नहीं है। उसके ऊपर जिस ऑफिसर को साइन चाहिए वो साइन उसे हो चुकी है, AMC से कमिश्नर से कमिश्नर, AMC DMC वार्डन पे सब ने साइन किया उसके ऊपर है। ये थे सदानंद जी जिनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो नियम के अनुसार किया है, कानून के दायरे में किया है और किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। जो चाहे वो इस मैदान में परमिशन ले सकता है और इस तरह के आयोजनों को कर सकता है। ऐसे में अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप कितना सही साबित होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तो तय है कि शिवसेना ने सत्ता का फ़ायदा उठाकर इस मैदान पर अपने कार्यक्रम को आयोजित करके अपनी ताकत को दिखा दिया है। कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ मैं संजय दुबे, सुर्खियां न्यूज़ मुंबई। जहां एक ओर सदानंद परब मनपा की अनुमति को सही ठहरा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मनपा ने एक तरह से अपनी गलती मानते हुए शिवसेना के इस कार्यक्रम को दी गई अनुमति एक के बाद एक कुल 2 नोटिस भेजकर रद्द कर दी। इस नाटकीय घटनाक्रम को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब अंधेरी विधानसभा में भाजपा और शिवसेना के बीच राजनीतिक अदावत और बढ़ने लगी है। कैमरामैन राहुल तिवारी और संजय दुबे के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़ मुंबई।